अग्निपथ योजना का बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया विरोध, बोली सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन खत्म करना चाहती है सरकार। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर रक्षा विशेषज्ञों के बाद बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्रवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभाना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आगे लिखते हुए कहा कि इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीति व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुख हैं व त्रस्त हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह मांग है, मायावती ने मांग करते हुए ट्वीट कर लिखा है। वहीं बता दें कि मंगलवार को सेना में भर्ती के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भर्ती में नए बदलाव किए हैं, जिसके तहत अग्नि भर्ती योजना का ऐलान किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल तक सेवा देने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्रवीर कहा जाएगा।